नमस्कार दोस्तों, आज के समय में किसी भी एप्लीकेशन में जब हमें हिंदी में टाइपिंग करनी होती है तो हमें वो टिपिकल काम लगने लगता है, टफ लगने लगता है। और अगर हम हिंदी में लिखते भी हैं, किसी एप्लीकेशन में टाइप करते हैं, तो इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी में हम बहुत ही स्लो लिखते हैं। और ये एक हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, टाइपिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका है जिसे फॉलो करके आप आसानी से किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में हिंदी में टाइप कर पाएंगे और आप विद इन सेकेंड हिंदी में टाइप कर पाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो प्रैक्टिकली बताने के लिए लेके चलता हूँ आपको मोबाइल के स्क्रीन पर और बताता हूँ कि कैसे आप तेजी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे जो है मैं आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन की मदद से बताऊंगा, लेकिन आप इस तरीके को किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में फॉलो कर सकते हैं और आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए व्हाट्सएप ओपन करते हैं। अब जिसे भी मैसेज करना है उसके नेम पर टच करते हैं। अब यहाँ टाइप ए मैसेज पर टच करते हैं। जब हम टाइप ए मैसेज वाले ऑप्शन पर टच करते हैं इनपुट बॉक्स में, तो क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट जो है इंग्लिश कीबोर्ड ओपन होता है। अब क्या करना है, आपको इंग्लिश लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस पर टच करना है। इस पर टच करके थोड़ी देर रखना है। जब आप प्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा, चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा। जब यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे इंग्लिश कीबोर्ड ही रहता है, हिंदी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आपके में हिंदी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज सेटिंग्स में जाना है। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन है हिंदी इंडिया का दिखेगा, इस पर आपको टच करना है और ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा, हिंदी इंडिया दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश के बगल में एक आइकन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसे टच करना है। जैसे इसे टच करेंगे तो हिंदी कीबोर्ड आ जाएगा। हिंदी कीबोर्ड आने के बाद क्या करना है, आपको कीबोर्ड में एक ऊपर माइक का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस माइक ऑप्शन पर टच करना है और उसके बाद हिंदी में बोलना है। जैसे जैसे आप हिंदी में बोलेंगे वैसे वैसे टाइप होता जाएगा और आसानी से आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे। तो चलिए अब आपको टाइप करके बताता हूँ। तो गाइस, इस तरीके को आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में फॉलो कर सकते हैं और हिंदी में आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलता हूँ किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।